हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरा भरा कबाब, जो आप स्नैक्स में खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब बनाने के लिए मैंने लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू, उनको उबाल लिया, छील लिया और घी अकस में घिस लिया। 100 ग्राम मैंने लिए फ्रोज़न मटर, जिसको उबाल लिया है मैंने। 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया, 1 बड़ा चम्मच अरारोट कॉर्न स्टार्च, 2 हरी मिर्च जिनको कि बारीक बारीक काट लिया मैंने, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया मैंने जिसको कि घी अकस में घिस लिया, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा मैंने लिया है नींबू, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, 200 ग्राम मैंने लिया पालक, इसको मैंने अच्छे से 3 से 4 बार धो लिया और बारीक बारीक काट लिया। सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रखी, कढ़ाई गर्म हो गई अच्छे से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच ऑयल, ऑयल गर्म हो गया। अब मैं डाल देती हूँ इसमें जीरा, जीरा अच्छे से चटक गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये अदरक, अच्छे से चला लेंगे दोनों चीज़ों को। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पालक, पालक डाल दिया। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि पालक ऑलरेडी पानी अभी छोड़ेगा। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और पालक को बिल्कुल सुखा लेंगे हम। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और मैं इसको अब खोल देती हूँ। मैं बीच बीच में इसको खोल खोल के चलाती जा रही थी। अब पानी इसका बिल्कुल सूख गया है अच्छे से और अब मैं इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही भून लूँगी। बिल्कुल पानी इसका बिल्कुल सुखाना है हमें। तो देखिए मीडियम गैस पर हमने पालक को अच्छे से सुखा लिया है 2 से 3 मिनट तक। और अब गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे बाउल में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अब मैं एक बाउल में ये उबले हुए मैश किए हुए आलू डाल देती हूँ, हरी मिर्च भी डाल देती हूँ इसमें और ये उबली हुई मटर भी डाल देती हूँ इसमें, चाट मसाला, नमक और ये जो आधा नींबू मैंने लिया था ये भी मैं निचोड़ देती हूँ इसमें। नींबू से बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है। अब डाल देती हूँ ये पालक, पालक डालने के बाद मिला लूँगी मैं सारी चीज़ों को अच्छे से और साथ के साथ इसमें डाल देती हूँ ये हरा रोट। अब मैं कबाब बनाने शुरू करती हूँ। तो हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और 1 चम्मच से हाथ में मैं इसका मिक्सचर ले लेती हूँ। थोड़ा सा और हाथ में ऑयल लगा के इसको अच्छे से, कोई सी भी शेप दे सकते हैं आप, मैं राउंड शेप में बना रही हूँ इनको, जैसे कि टिक्की बनाते हैं ये बना लिए। ऐसे ही हम सारे बनाते जाएंगे। तो देखिए सारे मिक्सचर में मैंने 6 कबाब बना लिए हैं और अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। पैन मैंने गरम कर लिया है अच्छे से और अब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल डालने के बाद एक एक करके मैं इसमें ये कबाब डालती जाती हूँ। मीडियम गैस पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं और ये नीचे से सिक गए होंगे, तो मैं अब इनको पलट देती हूँ। देखिए ये सिक गया है, सारे कबाबों को मैं ऐसे ही पलट देती हूँ। तो देखिए सारे कबाबों को हमने दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इनको सर्व करूँगी मैं। गर्मा गर्म हरा भरा कबाब हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। हमने इनको शैलो फ्राई किया है, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं इनको। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।